पंजाब के पठानकोट जिले के ढरकलान ब्लॉक के बासा गांव के रहने वाले गुलशन कुमार को पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 5 साल हो चुके थे। काम की तलाश में इधर उधर कोशिश तो की, लेकिन काम कोई ना मिला। अकेले पिता की कमाई से घर का गुजारा होना भी बहुत मुश्किल हो चला था। परेशानी और मुसीबतों से घिरे गुलशन को निराशा ने हर तरफ से घेर लिया था। डूबते सूरज के साथ गुलशन की उम्मीदें भी डूबने लगी थीं। अपने गांव में तो इतना सर काम है नहीं, काम धंधा कोई नहीं है, कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ तो है नहीं अपने इधर। कहीं मजदूरी कर ली या फिर फ्री घूमते थे, बाकी टेंशन यही रहती थी काम की सर। तो उसके बाद फिर ये कोर्स आया सर सरकार की तरफ से, तो इसका हमें पता चला कि ये कोर्स आ रहा है, तो हमने ज्वाइन किया सर, कॉलेज ज्वाइन किए। इसी तरह से एक दिन निराश बैठे गुलशन की मुलाकात हुई हैप्पी सिंह से, जो कि एक स्किल इंडिया डेवलपमेंट संस्थान से जुड़े हुए थे। जब हैप्पी सिंह ने इन्हें भारत सरकार और RSDC यानी रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की जानकारी दी, तो इन्होंने बिना देर किए पास के कौशल विकास संस्थान में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रबर सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जॉब रोल कंप्रेशन मोल्डिंग में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 3 महीने बाद गुलशन को भी इसका लाभ मिला और इनकी नौकरी लुधियाना की एक रबर फैक्ट्री में लग गई। आज कौशल प्रशिक्षण हासिल कर लेने के बाद गुलशन की जिंदगी बदल चुकी है। अभी सर कोर्स किया है तो कोर्स हमारा फ्री हुआ है सर, रहना खाना पीना अपना सब फ्री है वहाँ पे सर, सरकार की तरफ से ही है। बाकी स्टडी भी बढ़िया हुई है सर, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी। उसके बाद सर जॉब लगी है हमें, तो अभी सर दिक्कत परेशानी कोई नहीं है सर, जो जॉब मिली है वो अच्छी है सर, सैलरी भी सही है, वहाँ पे रहना खाना पीना सब सही है सर। ये सरकार की तरफ से ही हुआ है सर, जो अभी फ्री हुआ है, तो अभी सर अपनी टेंशन कम है सर पहले से, मतलब अभी जॉब है हमारे पास सर। पहले तो ऐसे ही थे ना सर, फ्री घूम रहे थे, अभी सही है सर सब कुछ, घर भी सही चल रहा है सर, माँ बाप भी अब खुश हैं, पहले वो भी टेंशन में रहते थे सर कि हमारा बेटा है जवान है फ्री घूम रहा है, तो अभी वो खुश हैं कि हमारा बेटा कमा रहा है, थोड़ा हमें भी सहयोग मिलेगा इसलिए सर। इस कौशल विकास का फर्क है कि आज इन्हें आर्थिक चिंता नहीं सताती और इनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी है।